अरे भैया वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए हाय, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नियर स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैथ अभी थ्री का बी चैप्टर। तो चैप्टर देख लीजिए आप, बुक से रिलेटेड है, प्रश्नावली थ्री का बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b बराबर p माइनस की और c बराबर माइनस पी की, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा। इसका आंसर हम बताते हैं आपको। बुक को हम साइड में रख देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन है मेरा। इसमें कह रहा है मेरे यहाँ बी बराबर पी माइनस क्यू, यानी कि बी की जगह पर हम बी पी माइनस क्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, एक्स प्लस सी की जगह पर रखेंगे माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि इसमें और इसमें गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा पी एक्स माइनस, फिर इसमें और ये एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा क्यू एक्स, प्लस और माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे एक्स, कॉमन का सेंस होता है, यानी कि कॉमन जो बोलते हैं हम लेने के लिए, तो कॉमन का मतलब होता है इसमें भी और इसमें भी सेम होना चाहिए, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, एक्स को मैं ले लिया तो बच गया मेरा एक्स प्लस पी माइनस, इसमें और इसमें क्या चीज़ें कॉमन है, क्यू है इसमें और इसमें भी क्यू है, तो क्यू को मैं ले लेते हैं, क्यू बच जाएगा एक्स प्लस पी, यहाँ पे यह हो जाएगा एक्स प्लस पी और एक्स माइनस क्यू, इसका आंसर हो गया। अब बुक से मिला सकते हैं आंसर। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए आप लोग, रिक्त स्थान में रैखिक बहुपद भरे, यानी कि क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी बराबर डैश डैश गुणे डैश डैश। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि बी से एक्स में गुना करेंगे, यानी इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स प्लस बी सी, हो गया ना बी सी, और इसमें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, अब बोलिए कि एक्स कॉमन कॉमन है तो एक्स हम कॉमन ले लिए, तो बच गया एक्स प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है तो सी कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा एक्स प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस सी या एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर होगा। टू का बी क्वेश्चन है मेरा, वाई का होल स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू बराबर डैश डैश गुणे डैश डैश। यहाँ पे हो जाएगा मेरा वाई का होल स्क्वायर माइनस पी से वाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा पी वाई, प्लस वाई में क्यू से वाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू वाई प्लस पी क्यू, इसमें कॉमन लेंगे वाई, इसमें दो गो वाई है, इसमें एक वाई है तो कॉमन ले लेंगे एक वाई, वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस पी प्लस, इसमें क्यू कॉमन लेंगे हम, इसमें भी और इसमें भी है तो बच जाएगा वाई माइनस पी, उसके बाद हो जाएगा वाई माइनस पी प्लस वाई y प्लस क्यू, जिसका आंसर हो गया, पहले हो जाएगा यहाँ पर डैश y माइनस पी और y प्लस क्यू, y प्लस क्यू। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। सर इसमें थर्ड क्वेश्चन है नहीं, अब गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड लेकर चलते हैं। थ्री का एक क्वेश्चन है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बारह, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि 12 को
ऐसे दो भाग में बांटना है, जैसे गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। यहाँ पे देख लीजिए आप, 12 2 6 12, 2 3 6, 2 3 4 और 3 4 3 7, 4 × 3 12। आइए यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3x + 12। इसमें कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा x + 4 × + 3 कॉमन लेंगे इसमें, तो बच जाएगा x + 3 × 12। अब हो जाएगा x + 4 x + 3, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 3 का b। अब 3 का b क्वेश्चन है, 1² + 12 + 35, 1² + 7a + 5a + 35, 7 × 5 = 12 और 7 × 5 = 35 आ रहा है मेरा। फिर a कॉमन ले लेंगे इसमें, तो बच जाएगा a + 7 और हो जाएगा इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a + 5 = 35, a + 7 a + 5, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 3 का c। क्वेश्चन नंबर 3 का c है, इसमें हो जाएगा x² + 8 6 = 48 और 8 6 = 14, इसमें हो जाएगा 8x + 6x + 48, एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें तो बच जाएगा x + 8 + इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x + 6 = 48, बच जाएगा x + 8 x + 6, इसका आंसर। चलते हैं आप 3 का d क्वेश्चन है मेरा, 3 का d में है x² + 14x + 45, इसका आंसर हो जाएगा x² + 45 को 2 भाग में बांटेंगे, हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 14, 9x + 5x + 45, इसमें कॉमन ले लेंगे x तो बच जाएगा x + 9, इसमें कॉमन लेंगे 5 तो बच जाएगा x + 5 = 45, हो जाएगा x + 9 और x + 5, इसका आंसर हो गया। चलते हैं 4 का a। क्वेश्चन है y² - 22y + 120, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y² - 120 के 2 भाग में बांटेंगे, इसे गुणा करने पर 120 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर मेरा 22 आ जाए, यह हो जाएगा 12y - 10y + 120, 12 × 120 और 12 × 10 = 22, इसमें कॉमन लेंगे y, बचेगा y - 12, इसमें कॉमन ले लेंगे -10y, पहले से तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा इसमें 12, फिर y - 12, एक बार ये लिखेंगे और एक बार ये y - 10, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 4 का b। क्वेश्चन है 4 का b में x² - 22x + 85 है, हो जाएगा x² - फिर से वही कंडीशन है, जोड़ने पर या घटाने पर 22 आ जाए, गुना करने पर 85 आ जाए, तो हो जाएगा x² - 17x - 5x + 85, 17 × 5 = 85, लगता है कुछ ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं हम साइड से। देखिए यहाँ पे ये 85 है, 85 का लघुत्तम करेंगे तो हो जाएगा 5 से कटेगा, कितना मरतबा में कटेगा, 17 मरतबा में कटेगा, तो हो जाएगा ना 17 × 5 = 22 और 17 × 5 = 85, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते बच जाएगा x - 17 - 5 और x - तो माइनस हो जाएगा, 17 x - 17 x -
5। अब 4 का सी, 4 का सी का क्वेश्चन है 108 माइनस 21 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्व जो थोड़ा क्वेश्चन जो थोड़ा उलट दिया हुआ है उसको आप सीधा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 108, ये क्वेश्चन हो गया सीधा। और इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, फिर वही कंडीशन सारा में वही कंडीशन आता है 108 की हम लोग उत्तम करेंगे, लघुत्तम करेंगे तो जो आएगा जोड़ने या घटाने पर 21 आ जाना चाहिए। 12 9 21 और 12 नामा 108, 12 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 108, इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स माइनस 12, माइनस 9 कॉमन लिए तो बच जाएगा एक्स माइनस 12। उसके बाद एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 9 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 4 का डी में, यहीं पे लिख लेते हैं 4 का डी। 4 का डी का क्वेश्चन है, 4 का डी में देख लीजिए ये भी थोड़ा उलटा हुआ क्वेश्चन, हम डायरेक्टली इसको सीधा कर लेते हैं। जेड का होल स्क्वायर प्लस सॉरी जेड का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, जेड का होल स्क्वायर माइनस 23 जेड प्लस 132, जेड का होल स्क्वायर माइनस 12 जेड माइनस 11 जेड प्लस 132। जेड कॉमन लेंगे जेड माइनस 12 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 12 जेड माइनस 12 जेड माइनस 11 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 का ए, 5 का ए में क्वेश्चन है एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3, एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस 3, इसमें एक कॉमन ले लेंगे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 इसका आंसर हो गया। 5 का बी ले लेते हैं हाली हाली क्योंकि बी तो बहुत बड़ा हो रहा है। 5 का बी में एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 11x माइनस 10x माइनस 110, एक्स कॉमन लिए बच गया एक्स प्लस 11 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 10 11 यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 11, एक्स प्लस 11 एक्स माइनस 10 इसका आंसर हो गया। अब तक लेते हैं।